हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अच्छा, आप ही की पार्टी के नेता हरसिमरत कौर, जिन्होंने इस्तीफा दिया है मोदी मंत्रिमंडल से, वो इस वक्त मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल के साथ लाइव मौजूद हैं। जरा सीधे आपको लिए चलते हैं जगविंदर के पास। जगविंदर, रोमाना, देखिए 40 साल का एक पुराना साथी जो है वो केंद्र सरकार से हाथ खींच रहा है और इस हाथ खींचने की वजह बना है एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस, जिसको लेकर अकाली दल सहमत नहीं है। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हैं। हरसिमरत जी, इस्तीफे की नौबत क्यों आई? क्या ये जरूरी था या मजबूरी थी? जरूरी था, जिंदगी में कभी मजबूरी नहीं होती, ऐसी चीजों में एक नैतिकता होती है। एक मंत्री होने के नाते, मैंने चाहे मैं एमपी थी चाहे मैं मंत्री बनी, हमेशा मैंने समझा कि मुझे लोगों ने चुन के भेजा है अपनी आवाज बना के, और मेरा फर्ज होता है लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाई जाए, और मंत्री होने के बाद जो भी कानून बने कैबिनेट में वो ऐसे हों जो लोगों के भले में हो। अपनी विचारधारा से हर एक मंत्री कोशिश यही करता है कि कुछ भला करने के लिए हम बनाए, और आई एम श्योर कि ये कानून भी किसानों के भले के लिए ही आए। लेकिन जब इस कानून के भलाई के बारे में जब अपने किसानों को जाके बताने की कोशिश करी और उनकी शंकाएं मेरे सामने जब उन्होंने रखी, वो जब मैंने कन्वे करी, जो मेरा फर्ज बनता था कि आप ये बना रहे हैं, जो लोग जिसके लिए बना रहे हैं वो स्वागत करने के बजाय विरोध कर रहे हैं, और इस बात को लगातार जब ये कानून बनने से पहले इंटर मिनिस्ट्रियल भी जब कमेंट्स मांगे गए, हालांकि मुझे इंडस्ट्री की तरफ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ से कमेंट्स देने थे, उधर भी जब फाइल में नोटिफिकेशन देखे वहां भी मैंने कहा स्टेक होल्डर्स के मन में शंकाएं हैं, ये दूर करना जरूरी है और स्टेट की सरकारों को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। इसके बावजूद जब मुझे पता लगा कि ये आने लगा है तो कैबिनेट में मैंने आने से पहले भी मैंने कहा कि ग्राउंड लेवल पे इसका बहुत विरोध है और उनके बातचीत करने के बाद ही कुछ ऐसे किया जाए, लेकिन इसके बावजूद टेबल आइटम में कैबिनेट में आया, वहां पे मैंने एक बार फिर पुरजोर से, लेकिन मुझे सपोर्ट और कहीं से नहीं मिला। एक बारी जब ऑर्डिनेंस बन गया और इसका नतीजा जब हमने लोगों के जाके बताने की कोशिश करी कि नहीं, एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंत्री जी को भी मिलाया, उनसे लिखित में भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बोलने और मेरे बोलने से हमारे किसानों का ये शंका दूर नहीं हुई। कंफ्यूजन है मैडम, किसान क्यों कन्विंस नहीं है? अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये किसानों के लिए फायदा होगा, तो किसानों को फायदा नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या सरकार कन्विंस नहीं कर पा रही उनको? बिल्कुल सही, उनके साथ जब आपने स्टेक होल्डर्स के साथ बात ही नहीं करी। अब ये है कि पंजाब के किसानी ढांचा, मंडीकरण ढांचा एक बिहार या किसी और राज्य से जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे एमएसपी से कम किसी को नहीं मिलता और उन राज्यों में तो एमएसपी की नाम की चीज नहीं है। सो आप एक कानून बना रहे उधर के बिचौलियों को देखते हुए, यहाँ के जो आड़ती है जिनको आप बिचौलिया कह रहे हैं, ये तो एक 9 मास का रिश्ता होता है। यहाँ पे जब कोई घर में शादी होती है, कोई बीमारी होती है, कोई बाढ़ आ जाती, तो ये आड़तियों के पास जाते हैं, ये इनका इनफॉर्मल बैंकिंग सेक्टर है और यही बिचौलिया उनके सही दामों के लिए लड़ाई भी लड़ता है। तो मजदूर होए, आड़तिया होए, किसान हो, ये एक ऐसा जुड़ा हुआ सिस्टम पंजाब में जिसको आप कहीं और राज्य से नहीं कर सकते। पंजाब के किसानों के डर है कि ये मंडीकरण ढांचा जो बहुत अच्छा चल पा रहा है, अब जब पूंजीपति आएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे जिनको टैक्स नहीं देना है, वो किसान को अच्छे दाम देंगे, किसान उनके पास जाने लग जाएंगे, तो ये सरकारी ढांचा सब खत्म हो जाएगा जब इनकम नहीं रही, और तब इनका 1-3 साल बाद जब वो ढांचा सब खत्म हो गया तब इनका शोषण होगा। अब ये बात आप उनसे बात करेंगे तो क्या बीजेपी किसानों के शोषण की चिंता नहीं करती है? आपकी नहीं सुन रही है इस मसले पे? नहीं, बिल्कुल चिंता करती है, तभी कितने सारे काम किसानों के हक में किया, लेकिन इस मुद्दे में लगातार मुझे समझाने के बाद मैं, ये मेरी कमी, मैं अपने किसानों को मैं समझती हूँ कहीं मैं फेल हो गई कि मैं अपने किसानों की बात उधर तक, हालांकि मैंने कोई लेवल नहीं छोड़ा। सरकार किसान को कन्विंस नहीं कर पाए, आप मोदी सरकार को कन्विंस नहीं कर पाए, बिल्कुल ये कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, और मैं अपने किसानों से माफी मांगती हूँ, और माफी के तौर में ही जब मौका आया कि मुझे अपनी सरकार का या किसान का साथ देना, मेरे लिए बिल्कुल साफ था कि मैं उनका साथ दूंगी जिनके करके आज मैं इधर पहुंची हूँ, और जो ये सरकार चाहे भले मंशे से कर रही है, जिनके लिए कर रही, जो उनको भला नहीं नजर आ रहा, तो मेरा फर्ज है कि आज मैं उनके साथ लड़ूं और वो भलाई के रास्ते पे चलूं। वैसे आपको मैडम खोट नजर आता है इस बिल में कि खोट है जिसको लेकर किसान परेशान है, या आप कन्विंस हैं लेकिन किसान को नहीं कर पा रही है?
क्या आपको भी लगता है कि कहीं कोई झोल है? ये मैं नहीं बोलना चाहूंगी, ये मैटर भी नहीं करता। जो मैटर करता है कि जिसके लिए लेके आए हैं वो बिल, उसको कन्विंस होना जरूरी, मैं हूँ ना हूँ। तो आप किसानों के साथ धरने पे जाकर बैठेंगी? अब तो आप फ्री हैं केंद्र से। अब तो अमरिंदर सिंह अपना ध्यान रखें, क्योंकि अब मैं मुक्त हो गई हूँ। अब जिसके खिलाफ जाना होगा, जो मेरे घर के आगे बैठे, मैं उनको कहती हूँ, मेरे घर के आगे, जिसके घर के आगे बैठना है, मैं आपके साथ बैठूंगी जहां लेके जाए। अब इस मुद्दे में हरसिमरत बादल हो, श्रोमणी अकाली दल आगे होके आपकी लड़ाई लड़ेगी। अब हमारी पूरी फौज आपके साथ है और ये लड़ाई हम फतेह करेंगे। अमरिंदर सिंह तो कहते हैं कि आपने नौटंकी की है इस्तीफे की। अमरिंदर सिंह नौटंकी के बारे में जब बात करते हैं, तो मुझे जरा बता दें कि 84 में जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, जब दरबार साहब पे हमला हुआ, और फिर जब देखा कि एमएलए भी नहीं जीत सकता, तो फिर उस पार्टी में जाके जा घुसे और मुख्यमंत्री बनने के, नौटंकी वो थी या नौटंकी ये है कि अब शिवसेना ने सपोर्ट किया है तो कैप्टन साहब क्या जाके उधर से कांग्रेस से इस्तीफा दिलाएंगे? नौटंकी ये है कि आप पंजाब में अपने मैनिफेस्टो में आप लिखें कि मैं ये लेके आऊंगा और सारे वादों से मुकर के अगस्त 2017 में आपने पंजाब में लागू कर दिया। आपके केंद्र के मैनिफेस्टो में है, केंद्र सरकार के साथ एज अ मुख्यमंत्री आपने कनकर किया कि हाँ ये होना चाहिए, और फिर पार्लियामेंट में आप विरोध कर रहे हैं। नौटंकी नहीं है ये क्या? नौटंकी के तो मास्टर कैप्टन साहब खुद हैं, जो गुटका साहब की झूठी सौ, भगवान की झूठी सौ, शरेआम बेशर्मी से खा लेते हैं, इससे बड़ा नौटंकीबाज कौन हो सकता है? सीधा पंखा अमरिंदर सिंह से है पंजाब जाके। अमरिंदर सिंह मेरे को कहता है टू लिटिल टू लेट, आई थिंक ही इज टू मच टू लॉन्ग। उसका पंजाब ने इतना जो बर्दाश्त कर लिया, पंजाब का बेड़ा गर्क, जो आदमी 4 साल में सेक्रेटेरिएट नहीं गया, फार्म हाउस में आयाश घर में अपने दोस्तों के साथ रह रहा है, सीएम हाउस में भी नहीं जहां उसको जाके कोई कुछ मिल सके और बोल सके, इससे और निकम्मा मुख्यमंत्री हो कौन सकता है? मैडम एक बात बताइए, अगर 6 महीने 4 महीने पहले की बात करें तो अकाली दल, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल, आप सब लोग भी तो लोगों में जाकर ये बात कर रहे थे कि भाई ये बहुत अच्छा बिल आ रहा है, आपका फायदा होगा, मैंने खुद आपकी बहुत सारी स्पीचेस सुनी है, तो फिर ये जब पास होने लगा तब कैसे बुरा हो गया? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे मैंने कहा कि बिल के आने से पहले भी मैं अपनी सरकार को बोलती रही कि ये शंकाएं हैं, रिटर्न में भी मेरे नोटिफिकेशन हैं। बिल के आने के बाद जब मंत्रियों ने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा एमएसपी, मैंने लिखित में भी ले लिया, लेकिन ये सारी चीजें करने के बावजूद जब मेरी बातों पे या मंत्री की बातों पे किसानों का भरोसा नहीं था, तो जरूरत थी कि कोई या तो ऊपर के लेवल में कोई और बोले या फिर उनको बुला के उनकी शंकाएं दूर करें। मैंने अखीर तक अपने किसानों को भी कन्विंस करने की कोशिश की और अपनी सरकार को भी उनकी बात पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन जब मेरी बात ना कन्विंस कॉन्फिडेंस हम किसानों पे कर सके और ना ही मैं अपनी सरकार को मना सकी कि इसको पार्लियामेंट में आप सिलेक्ट कमेटी पे भेजिए और तब तक कानून ना बनाइए जब तक ये स्टेक होल्डर्स कन्विंस नहीं है, और उन्होंने इसको पार्लियामेंट में ला के इसको पास करने का फैसला किया, फिर मेरे पास दो चारा था। आपने कभी प्राइम मिनिस्टर से बात की इस बारे में कि पंजाब में दिक्कत हो जाएगी? कैबिनेट में लगातार प्रधानमंत्री हेड करते, पूरी कैबिनेट सारा मंत्रिमंडल वहां पे होता है। एक दिन पहले जब डिस्कशन होनी थी उस दिन भी मैंने क्लियर कर दिया कि आज वोटिंग का टाइम आएगा, मेरी पार्टी विरोध करे और मैं उस सरकार का हिस्सा बनूं जो उनके ऊपर थोप रही है, जो किसान विरोधी, मैं उसका मेरी जमीर नहीं मानती, मैंने तो क्लियरली कह दिया था। अखीर में जब मैं उनको कन्विंस नहीं, मैंने अखीर तक, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सरकार के अंदर रह के मेरा शायद प्रेशर ज्यादा हो सकता है, सरकार के बाहर क्या प्रेशर है, सो इन 6 सालों में मैं अंदर रह के पीछे से चुप चुपीते अपने हर तरह से प्रेशर डाल के ऐसे कई काम करवाए ने जो पंजाब के इतिहास में नहीं हो सके, और यहां भी मेरी यही कोशिश थी कि अंदर रह के मैं प्रेशर कराऊं। लेकिन जब मैं किसानों से माफी मांगती हूँ कि मैं फेल हो गई इस काम में, जब मैं फेल हो गई, मैंने इस्तीफा दिया, किसानों के साथ खड़े होके इसका विरोध किया और आगे उनके साथ खड़े होके अब लड़ाई भी लड़ूंगी, जहां तक जाना पड़े लड़ाई लड़ूंगी। आप ये बताइए कि इस लड़ाई में आपका अलायंस भी आड़े आएगा, विधानसभा चुनाव पंजाब में 2022 में होने हैं, तो अब की बार शिरोमणी अकाली दल अकेले लड़ेगा, बीजेपी के साथ लड़ेगा? अब तो आप फंस गए हो इस मसले पे। नहीं, फंसने का तो मतलब नहीं है, ये फैसला पार्टी आला कमांड, हाई कमांड, कोर कमेटी लेगी, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि पंजाब का किसान पंजाब की जिंद जान है, देश का किसान देश की रीढ़ की हड्डी, और हमारे पंजाब में तो 100% किसानी पे निर्भर, वहां तो सब कुछ ही किसान है तो पंजाब है, जो किसान नहीं है तो पंजाब खत्म है। सो श्रोमणी अकाली दल का एक एक वर्कर, मेरे परिवार से लेके शायद हर एक वर्कर का परिवार किसान के साथ जुड़ा हुआ है,
किसानों के लिए बादल साहब को किसान का मसीहा ही इसलिए कहा जाता है जिन्होंने जेल तक काटी है पंजाब का गरीब हो मजदूर हो किसान हो उनकी हकों की लड़ाई के लिए। फैसले से पहले आपने इस्तीफे से पहले आपने प्रकाश सिंह बादल से रायशुमारी तो की होगी, उनका क्या कहना था कि दीजिए इस्तीफा। सब जगह रायशुमारी, मुझे खुशी इस बात की है कि जब मेरी जमीर ने जो आवाज दी उस जमीर की आवाज चाहे मैंने पार्टी प्रधान को या प्रकाश सिंह बादल जी को या पार्टी के कई और सीनियर लीडरशिप को एक दो को छोड़ के सब मेरी बात के साथ सहमत थे, लेकिन सब ये भी जानते थे कि जब ये कहीं पे अड़ जाती इसको मनाना बहुत मुश्किल होता है। और मेरी जमीर इस बात को नहीं मानती थी कि जिन लोगों ने मुझे संसद में भेजा है एक कानून का मैं हिस्सा बनूं जो वो समझते उनके नुकसान के लिए। मैं एक किसान की पंजाब की बेटी होने के नाते अपने किसानों का नुकसान किसे हद में बर्दाश्त नहीं। मेरा हमारे परिवार पे तो इतनी रहमत है पंजाब के लोगों की कि हमारे खून का एक एक कतरा उनका मोहताज उनका ऋणी रहेगा हमेशा। तो 2022 में आपका जमीर क्या कहेगा सीनियर पार्टी लीडर्स को कि बीजेपी के साथ जाओ जिनके ऑर्डिनेंस से नाराज होकर मैंने इस्तीफा दिया था, तब भी आपके जमीर की बात आएगी, तब भी कांग्रेस पूछेगी। छोड़िए सत्ता सुत्ता सब छोड़िए, या अब नहीं सोचा तो आगे का क्या सोचना है। पहले हमारे किसान हमारा पंजाब, जो पंजाब की बेहतरी मैं अक्सर पंजाब के लोगों को कहती हूँ। ये बहुत सारी पार्टियों आपने देख ली है जो मौका प्रस्त हैं हमारे ऊपर झूठे गंदे कई तरह के इल्जाम लगा के इन्होंने राजनीति करी है, जो अपने धार्मिक ग्रंथ गुटका साहब की झूठी, जिसको भगवान का डर नहीं भैया उनको आपका क्या डर होगा लोगों का क्या डर होगा, कम से कम हम तो ऐसे नहीं है। तो राजनीति हार होए जीत होए जो भी हो हम असूलों से परमात्मा करे इतनी शक्ति दे कि सही काम शुभ कर्मन्ते कबू ना डूरू, यही मेरी अरदास रोज होती है। क्या आपने बीजेपी को कोई फॉर्मूला दिया है कि इस ऑर्डिनेंस में या इस बिल में जब तक इसमें ये अमेंडमेंट नहीं होते तब तक अकाली दल आपसे दूर रहेगा, या आप इन अमेंडमेंट्स के लिए राजी हो जाते हैं तो हम आपके साथी के तौर पर रहने को तैयार है, कोई ऐसा फॉर्मूला? जब पार्लियामेंट का सत्र बुलाया गया और इसको मैंने देखा, मेरी चार दिनों से यही मांग रही आप इसको सेलेक्ट कमेटी, आपने देखा पार्लियामेंट में तकरीबन सब पार्टियों ने विरोध किया एक दो को छोड़ के, आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, सुनवाई कर लीजिए जिन लोगों की शंका है, जे कुछ बदलाव का बदलाव लेके आइए। आप भले के लिए लेके आ रहे हैं, क्यों नहीं देश भर के किसान स्वागत करे, ना कि एक किसान का आंदोलन खड़ा करे। इस समय में ये कोई समय है जब अर्थव्यवस्था बॉर्डर कोरोना, क्यों किसानों को हम इस तरफ धकेल रहे हैं? आप सुनवाई करिए, उनके शंकाएं दूर करके कॉन्फिडेंस लेके सबसे इसका स्वागत कराइए, यही तो हमारी मांग थी। इससे पहले भी चाहे एनआरसी का मसला हो चाहे नोटबंदी का मसला हो, इन तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार के कई फैसलों में शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि हमारी हां नहीं ली गई, लेकिन इस बार इतना वर्स्ट स्टेप, आपको क्या लगता है कि देहात में वापिस लौटने के लिए अकाली दल को ये स्टेप उठाना जरूरी हो गया था? देहात की बात नहीं है, अपने असूलों की बात भी अपने लोगों की बात है, जो लोग आपको बना के वहां तक भेजते हैं ये कल कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन आज जो लोग सोच रहे हैं इससे हमारा कल खराब होता है। आप आज वो काम कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है, सरकार बने ना बने, कुर्सी रहे ना रहे, नाता रहे ना रहे, आज बात यह है कि जिन लोगों के करके आपकी पार्टी खड़ी है, जिन लोगों के करके आप उधर संसद में पहुंचे हैं मंत्रिमंडल में पहुंचे हैं, आज उन लोगों का भरोसा कायम रखना सबसे, मेरा ही नहीं मैं समझती हूँ जो भी मंत्री उधर पहुंचा है उन सबका फर्ज ये बनता है, क्योंकि किसान के वोट के बिना कौन उधर पहुंचा है। तो क्या बाकी लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए? एक मिनट हरसिमरत जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो रहा है। हरसिमरत जी हमारे साथ बनी हुई है और ये इंटरव्यू भी जारी रहेगा, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर।